इंटरनेट पे रोजाना आपको ऐसी ढेर सारी क्यूट एनिमल वीडियोस देखने को मिलती होंगी, लेकिन इन क्यूट वीडियोस के पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये हम आज आपको बताएंगे। इस क्लिप को पहली बार देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये छोटी बच्ची रैबिट को पेट कर रही है और रैबिट भी उसे इंजॉय कर रहा है, लेकिन जिस पोजीशन में ये रैबिट उसकी गोद में लेटा है वो ये दर्शाता है कि रैबिट बहुत डरा हुआ है और अनकंफर्टेबल भी है। अक्सर रैबिट्स अपना पेट दिखाना पसंद नहीं करते और जब उन्हें ज़बरदस्ती उल्टा लेटाया जाता है तो वो बहुत तनाव में आ जाते हैं। इस वीडियो में उस बेचारे का शरीर अकड़ गया है। जैसे ही वो लड़की अपना हाथ उससे हटाती है तो वो भागने की कोशिश करता है, पर बेचारा कामयाब नहीं हो पाता। अब इस वीडियो में एक डॉग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पिछले दो पैरों पर खड़े होकर करतब दिखा रहा है। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि वाह, ये डॉग कितना वेल ट्रेंड है, लेकिन ऐसी पोजीशंस डॉग्स के लिए अननेचुरल है। इस तरह के करतब करने से डॉग्स अपने मसल कोऑर्डिनेशन खो सकते हैं और उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता है। इस वीडियो में ये हैमस्टर बड़ी क्यूटली नहा रहा है, लेकिन असल में ये हैमस्टर इसे इंजॉय नहीं कर रहा बल्कि बहुत तनाव में है। हैमस्टर्स को नहलाने से उनके शरीर के नेचुरल ऑयल्स धुल जाते हैं, जिससे उन्हें कई स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है। इससे उन्हें वेट टेल नाम की एक बीमारी भी हो सकती है जो जानलेवा होती है। तो इस तरह की वीडियोस जो हम ऑनलाइन देखते हैं वो हमें क्यूट और फनी ज़रूर लगती है, लेकिन वो उस जानवर के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का एनिमल अब्यूज़ भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्यूट और फनी वीडियोज़ में ये छुप जाता है और हम ये देख ही नहीं पाते कि वो एनिमल कितना अनकम्फर्टेबल है। हमारे हिसाब से इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना या शेयर करना दोनों ही गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए।